दोस्तों, हम आपको हमारा YouTube चैनल गुरवेरा टेक्सटाइल एंड फैशन टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स में स्वागत कर रहा हूँ। आज का वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आया, वो टॉपिक है वो कंपोजिट्स है। आपको मालूम हो सकता है कंपोजिट वो पार्ट है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट है, नया इनोवेशन, ओके ना, 21st सेंचुरी का इनोवेशन है, संशोधन है। ये क्या है कंपोजिट्स? कंपोजिट्स ए चीज़ है, मटेरियल है। वो मटेरियल फाइबर से बनता है। कौन सा फाइबर्स? वो कॉटन नहीं है, लिनन नहीं है, जूट नहीं है, और पॉलिएस्टर भी नहीं है, नायलॉन भी नहीं है। वो नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स हैं। लेकिन सम फाइबर्स नया फाइबर्स इनोवेट किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वो नया फाइबर्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी वो कंपोजिट है ना, वो कंपोजिट मटेरियल है, वो मटेरियल में नया 2-3-4 फाइबर्स जोड़ के बनते हैं फाइनल प्रोडक्ट, वो कंपोजिट कहते हैं। लाइक कंक्रीट, सिविल इंडस्ट्री में अपार्टमेंट हाउस बिल्ड करते हैं ना, उसमें कंक्रीट डालते हैं ना, स्लैब में, प्लिंथ में, ऊपर में कंक्रीट में क्या क्या यूज़ करते हैं? स्टील यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं, वो स्टोन यूज़ करते हैं, और वाटर, चार कंपोनेंट हैं, वाटर, स्टील, सीमेंट, ओके। ऐसा एक टेक्सटाइल फाइबर्स, वो नया फाइबर्स वो ऐड करते हैं और फाइबर्स बनते हैं, 2-3-4 फाइबर्स जोड़ के रिइंफोर्स करके, लाइक कंक्रीट रिइंफोर्स करके फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट को कंपोजिट कहते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल्स, मटेरियल में कॉम्बिनेशन होते हैं 2-3 फाइबर्स। और क्या है, वाई कंपोजिट्स रिक्वायर्ड, कंपोजिट्स क्यों चाहिए, ऐसा मटेरियल क्यों चाहिए? ऑलरेडी वो टेक्सटाइल में कपड़ा है, क्लॉथिंग कपड़ा है, हाउस होल्ड कर्टेन विंडो का है, कपड़ा है, और जियो टेक्सटाइल में भी यूज़ करते हैं, मेडिकल में यूज़ करते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं। लेकिन क्यों कंपोजिट और नया डेवलपमेंट बनाया, क्यों चाहिए है कंपोजिट? चाहिए किधर चाहिए? वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं चाहिए, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है। यूज़ होते लेकिन थोड़ा यूज़ करते, लेकिन नॉट वो कपड़ा में नहीं, वो सम अदर अलग अलग एरिया में यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादा यूज़ कंपोजिट मटेरियल का, ज़्यादा यूज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मैकेनिकल इंडस्ट्री में, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में, ओशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। हम और एक बार मैं बोलता हूँ, वो कंपोजिट वो टेक्सटाइल मटेरियल है लेकिन यूज़ किधर होते हैं? अदर इंडस्ट्री में होते हैं, मालूम हो गया ना, इंडस्ट्री में। क्यों अदर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों चाहिए ऐसा मटेरियल कंपोजिट? देखो इधर हम पिक्चर लिखा, ओके। देखो ये एरोप्लेन है, ये स्पेस शटल है, ये स्पेस क्राफ्ट है, ये एरोनॉट है, ये कार है, ये हेलीकॉप्टर है, और ये बोट है। देखो आपको मैं छोटा इंफॉर्मेशन, लॉजिक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं इंटरेस्ट हूँ।
ए देखो एरोप्लेन कौन बनाया, कौन इन्वेंट किया? राइट ब्रदर्स इन्वेंट किया. ओके वो अभी तक वो ये 21st century है और 20th century और 19th और 20th century में मीन्स 1901 के बाद. ओके 20th century में और इससे भी पहले एरोप्लेन का बॉडी है ना, एरोप्लेन का बॉडी किधर से बनता था? अल्यूमिनियम से बनता था. इसका बॉडी है ना अल्यूमिनियम से बनता था. और एक कार का बॉडी किधर से बनता था? स्टील का, स्टील से बनता था एक कार बॉडी. वो डोर टॉप वट एवर पार्ट्स आर देयर, किधर किधर क्या क्या पार्ट्स है कार में, वो स्टील से, स्टील शीट का. ओके और बोट है ना, बोट किधर से बनता था? वुड, वुड और वुड से बनता था, वुड फ्लोट होता है ना उससे. और हेलीकॉप्टर्स और थोड़ा वो भी मेटल से बनता था. लेकिन ए मेटल स्टील वट एवर फूड इज देयर नो, उनका सांद्रता और डेंसिटी बहुत है, वेट बहुत है. अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम का वेट, अल्यूमिनियम का वेट डेंसिटी ज़्यादा है. इधर कार, कार में यूज़ करते हैं ना उनका मेटल स्टील शीट दैट भी यूज़ ज़्यादा है. वो वुड का वेट वो भी ज़्यादा है. इधर क्या है अभी फास्ट वर्ल्ड इज़ वेरी फास्ट है, स्पीड का है. अभी 21st century है ना, वो बहुत स्पीड से चल रहा है, स्पीड से बहुत स्पीड है. ये मोबाइल में सॉफ्टवेयर में और ईच एंड एवरी हर एक इंडस्ट्री में, हर एरिया के इंडस्ट्री में स्पीड बहुत स्पीड है. आज हम क्या चाहिए, हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या चाहिए? स्मार्ट चाहिए, स्मार्ट से रहना, ज़्यादा तकलीफ नहीं होना, स्मार्ट से रहना ज़्यादा कि हम बहुत स्पीड से जाना पड़ेगा, कम समय में बहुत ज़्यादा, बहुत और ज़्यादा काम करने का है, थोड़ा वक्त में बहुत जल्दी जल्दी पहुंचना है. स्पीड ज़्यादा चाहिए और कंफर्ट भी चाहिए. कार कितना स्पीड जाता है? वो बेंच कार, मर्सिडीज बेंच कार, बुगाटी, ओके वो कार है ना आजकल का कार, कितना स्पीड जाता है, कितना कंफर्ट रहता है, इंटीरियर कितना ब्यूटीफुल रहते हैं, सुंदर रहते हैं, आउटसाइड इंटीरियर कैसा लुक रहता है, कार का लुक. ओके कंपेयर करो, आप कंपेयर कर सकते हैं क्या आज का बुगाटी कार को? ओल्ड कार है ना, 19th century कार, 18th century कार, कितना फर्क है टेक्नोलॉजी में. और आज के एरोप्लेन और सेंचुरी के पहले का एरोप्लेन कितना टेक्नोलॉजी डेवलप है. एक एरोप्लेन में 500 पैसेंजर, वो एरोप्लेन आजकल का एरोप्लेन 500 पैसेंजर को लेके उड़ाते हैं आकाश में. अच्छा उड़ा 500 पैसेंजर का वेट कितना है और खाली एरोप्लेन का वेट कितना है, कितना वेट होता है? 1 tons 100 kg से ज़्यादा होते हैं, 100 kg नहीं ज़्यादा, टन्स में हम बोल सकते हैं उतना वेट. एल्युमिनियम वो सभी एल्युमिनियम का बॉडी और वुड का चेयर और टेक्सटाइल फाइबर्स वट एवर इज इनसाइड फर्नीचर इंटीरियर एवरीथिंग वेट प्लस 500 पैसेंजर का वेट कितना होता है? बहुत ज़्यादा रहता है. उड़ना है, टेक ऑफ करना है और स्पीड कितना है आजकल का एरोप्लेन का स्पीड कितना है? पर आवर 1000 kilometers 500 to 1000 kilometers जाते हैं. स्पेस क्राफ्ट कितना स्पीड जाते हैं? रॉकेट कितना स्पीड जाते हैं पर आवर में? और पर आवर में स्पेस शटल ऑर्बिट में कितना स्पीड जाते हैं? कैसा इंक्रीज करना स्पीड, दैट इन स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए? वज़न कम होना चाहिए. कार का वज़न कम हुआ तो स्पीड ज़्यादा बढ़ते हैं. एरोप्लेन का वज़न, उड़ने वाला एरोप्लेन का वज़न कम हुआ तो बहुत स्पीड से जाता है.
अच्छा ना, ये लॉजिक है, तर्क ओके ना। और हेलीकॉप्टर में ऐसा है, वज़न कम हुआ तो होता है, वज़न कम कैसे कम करते हैं, वो एल्यूमिनियम निकालना, एल्यूमिनियम के जगह में एक कंपोजिट शीट यूज़ करना। कार का बॉडी पार्ट्स है ना, वो मेटल शीट का जगह में कंपोजिट शीट यूज़ करना, डोर और वाट एवर इज देयर, ओके ना, रिप्लेस करते हैं। आपको मालूम हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपोजिट क्या यूज़ करते हैं, क्या है बेनिफिट है कंपोजिट का, उपयोग क्या है। उपयोग है उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, स्टील से एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा रहते, मेटल से भी ज़्यादा रहते, बहुत कम वेट है। एक स्क्वायर मीटर का एल्यूमिनियम कितना वेट है, एक स्क्वायर मीटर का कंपोजिट कितना रहता है, बहुत लाइट रहते हैं, रजिस्ट करते हैं वेयर, कोई एक्सीडेंट रजिस्ट करते हैं, कोई कार उधर जाके डैश मारा भी मारने बाद में भी वो स्क्रैच नहीं होते कार में, ऐसा शीट्स है। करोजन रहते हैं, देखो करोजन रेजिस्टेंस करते, करोजन जंग कहते हैं ना, जंग करोजन, वो स्पेस शटल 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल आउटसाइड द ऑर्बिट में अर्थ के राउंड रोटेट करते, रिवॉल्व करते, रोटेट ऑर्बिट में चलते रहते हैं स्पेस शटल, हमारा स्पेस शटल। वो कौन सा भी क्लाइमेट रहो कंडीशन, वो करोज नहीं होते हैं ना। कितना बारिश वो एरोप्लेन बारिश होने से तो थर्म हीट कुछ ना, कौन सा भी टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज हुआ तो वो करोड नहीं होते, ओके। ड्यूरेबल, बहुत लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल शीट में भी ड्यूरेबल ज़्यादा होते हैं उनका लाइफ स्पैन, और थर्मल हीट ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, ओके, विदस्टैंड करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होते हैं, थर्मल टेलरेबल, कौन सा भी साइज हम मोल्ड कर सकते हैं, ओके ना। होप मालूम हो, आपको मालूम हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कंपोजिट के बारे में, कंपोजिट का हेल्प क्या है, बेनिफिट क्या है, क्या है उन दो पॉइंट, इतना पॉइंट नहीं चाहिए आपको। वन इस उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उनका ड्यूरेबिलिटी है, वज़न बहुत कम है। सो 500 पैसेंजर और टोटल एरोप्लेन का वज़न कम होते हैं कंपोजिट यूज़ कर रहे तो, इंटीरियर में आउटसाइड में वॉट एवर, वो जल्दी उड़ाते हैं और स्पीड भी ज़्यादा रख सकते हैं, ओके ना। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपोजिट्स। कंस्टिट्यूएंट्स मैंने कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स कैसा क्या फार्मूला है बनने का। कंपोजिट में मैं बोला 2 3 4 फाइबर्स इन्वॉल्व है, वो कैसा ऐसे किया। कंक्रीट में आप हाउस बिल्डिंग में स्लैब डालने के लिए कंक्रीट में कैसा स्टील रखते, कौन सा शेप चाहिए कंक्रीट का शेप, स्टील रखते ना, स्टील रखते हैं, और सीमेंट किधर किधर कितना सीमेंट चाहिए, कॉम्पैक्ट सीमेंट जाते हैं, और कितना क्या फार्मूला है, व्हाट परसेंट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड, कितना परसेंटेज प्रतिशत, कितना प्रतिशत चाहिए स्टील का, कितना प्रतिशत सीमेंट चाहिए, कितना प्रतिशत वाटर चाहिए, कितना प्रतिशत सैंड और रेती चाहिए, हाँ कितना परसेंट। इफ़ ए मैट्रिक्स है, मैं बोलता हूँ फार्मूला बताऊँ लाइक दैट, ऐसा एक कंपोजिट में कितना परसेंट एक्स मैं बोल रहा हूँ फाइबर का नाम, नया फाइबर का नाम मैं नेक्स्ट क्लास फ्यूचर क्लास में बोलता हूँ, अगले क्लास में बोलता हूँ, अभी हम एक्स वाई जेड बोलता हूँ। एक्स फाइबर को कितना डालना, कितना प्रतिशत डालना, वाई फाइबर को कितना प्रतिशत डालना, जेड फाइबर को कितना प्रतिशत डालना, एक्स फाइबर का प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाई फाइबर का प्रॉपर्टीज़ क्या है, जेड फाइबर का प्रॉपर्टीज़ क्या है, तीनों प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, तीनों प्रॉपर्टी जोड़ के फाइनल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक कंपोजिट है। होप यू अंडरस्टूड, आपको मालूम हो रहा है, तीन फाइबर है, अलग अलग फाइबर है, अलग अलग प्रॉपर्टी है, हाँ तीन फाइबर तीन अलग अलग प्रॉपर्टी जोड़ के फाइनल प्रोडक्ट करते,
वो फाइनल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी एंड यूज़ किधर हो रहा है, कंपोजिट एरोप्लेन में यूज़ करते हैं और स्पेसक्राफ्ट में यूज़ करते हैं और शिप और बोट में यूज़ करते हैं और वॉच में गियर रहते हैं ना, वॉच में गियर्स उधर यूज़ करते हैं, इधर किधर यूज़ करते हैं, बस गियर्स, ऑटोमोबाइल गियर्स, ऑटोमोबाइल्स किधर यूज़ करते हैं, बेस्ड ऑन दैट वो एडजस्टमेंट करते हैं, फाइबर्स का एडजस्टमेंट करते हैं, फॉर्मूला एडजस्टमेंट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और दो टाइप्स, दो तरीका है कंपोजिट में, एक तरीका, दो तरीका इन्वॉल्व है, दो तरीका चाहिए, एक तरीका रीइंफोर्समेंट है और दूसरा तरीका मैट्रिक्स है, दोनों तरीका जोड़, दोनों तरीका यूज़ करना, उपयोग करके कंपोजिट बनाया। रेनफोर्समेंट तरीका से क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, वो लोड कैरी करते हैं, टन टन लोड, एरोप्लेन का बॉडी है ना, ये बॉडी कंपोजिट बना तो ऊपर इनसाइड 500 पैसेंजर बैठने के बाद भी वो लोड टॉलरेट करते हैं, कंपोजिट फाइबर टॉलरेट होते हैं, वो लोड इतना लोड कैरी करते हैं, वो एक बेनिफिट है, ऐसा रेनफोर्समेंट करते हैं। बिल्डिंग का कंक्रीट को 10, 15, 20, 100 क्या है फ्लोर का अपार्टमेंट बिल्डिंग करते हैं, कंक्रीट कितना टफ होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, ऐसा इधर स्ट्रेंथ देते हैं ना। और क्या करते हैं, वो किधर यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, उनका प्रॉपर्टीज़ मीट करना। और थर्ड क्या है, स्ट्रेंथ देना, किसको स्ट्रेंथ देना, मैट्रिक्स को, फॉर्मूला वो स्ट्रेंथ है मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी चाहिए, टफ होना चाहिए, स्टिफनेस, थर्मल इंसुलेशन। ओके, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करो अभी, नोट कर सकते हैं, ओके ना। देखो बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैट्रिक्स रीइंफोर्समेंट तरीका क्या करते हैं, लोड कैरी करने के हेल्प करते हैं और एंड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हेल्प करते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्मूला क्या और अलग तरीका है ना, उसको प्रोडक्ट स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रेंथ सपोर्ट करते हैं। क्या है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कंपोजिट का मैट्रिक्स मतलब एंड किधर यूज़ कर रहा है। देखो वॉच में गेयर्स है, पहला स्टील से बनता था, छोटा 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 सा गेयर रहते हैं, अभी फाइबर से बन रहा है। और गेयर बॉक्स में, ऑटोमोबाइल गेयर बॉक्स और स्मॉल मैकेनिकल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किधर किधर यूज़ करते हैं, क्या है उधर उतना। और वॉच देखो वाटरप्रूफ कहते हैं, वाटरप्रूफ वॉच, वाटरप्रूफ आइटम्स कैसा यूज़ करते हैं, फाइबर्स, मेटल गेयर वाटर में डाला तो वो करोड़ होते हैं, जंग होते हैं, लेकिन कंपोजिट फाइबर वाटर में गिरा तो क्या होता है, वो करोड़ नहीं होता, ओके ना। ऐसा मालूम हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट करते हैं, इवन एब्रेशमेंट्स और पार्ट्स, अभी कभी कोई डैश का कार और वट एवर डैश वो भी, और स्क्रैच वो भी, स्क्रैच और शीट में स्क्रैच नहीं होता है, लेकिन मेटल शीट में स्क्रैच होते हैं, वो पेंट करते कुछ ऐसा नहीं है, इधर पेंट नहीं चाहिए, और फाइबर्स में पेंट नहीं चाहिए, हाँ मेटल से बनना बॉडी है ना, व्हीकल का बॉडी, पेंट चाहिए, लेकिन फाइबर्स कंप्लीट फाइबर का पेंट नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी वो कलर कौन सा ब्यूटीफुल, कौन सा एस्थेटिक, वो सभी इन्वॉल्व होते हैं, ये बेनिफिट है मैट्रिक्स का बेनिफिट है। और क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, अभी डिस्ट्रीब्यूट, और मैं फिर मैं इधर आ रहा हूँ एरोप्लेन में, 500 पैसेंजर्स बैठा है, उड़ते हैं एरोप्लेन, उड़ के बाद ऊपर जाते हैं ना, और लोड डिस्ट्रीब्यूट होता होने का है, लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सो बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करता है,
फुल 500 पैसेंजर का लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होता है, इधर उधर नहीं होता है। ऐसा मैट्रिक्स है, ऐसा फॉर्मूला यूज़ करता है, ओके ना। और क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट चार्ट फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या कि कितना प्रतिशत सीमेंट चाहिए, कितना प्रतिशत स्टील चाहिए, कितना प्रतिशत वाटर चाहिए कंक्रीट में, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके ना। नेक्स्ट फाइनली फाइनल प्रोडक्ट किधर यूज़ हो रहा है वो प्रोडक्ट फिनिश करना, परफेक्ट फिनिश होना चाहिए बेटरमेंट। अंडरस्टैंड हो रहा है ना, मालूम हो रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हिंदी, मेरा हिंदी लैंग्वेज पुअर है। पहला मैं 1.5 साल से इंग्लिश में वीडियो रिलीज़ किया, अभी अभी आजकल हम हिंदी में भी 2 लैंग्वेज में वीडियो बन रहा है, पहला इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में, ओके ना। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, मेरा लैंग्वेज कम बहुत पुअर है हिंदी में, ओके ना। देखो, होप यू अंडरस्टूड, आपका समझ में आ रहा है क्या कंपोजिट है, क्या कंपोजिट का बेनिफिट है, क्या कंपोजिट किधर यूज़ हो रहा है आपको। दोस्तों बस इतना आपको इंट्रोडक्शन क्लास, आई थिंक इट्स एनफ, ओके ना, इट्स काफ़ी है आपको व्हाट इज कंपोजिट। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो जी, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको फ्रेंड्स का साथ शेयर कर दीजिए, कौन कौन सा है हमारा चैनल, ये सब्जेक्ट इंग्लिश में भी आ रहा है, इंग्लिश कौन आपका फ्रेंड्स इंग्लिश जानते तो इंग्लिश उनको इंग्लिश भेज दो, और हिंदी जानते तो हिंदी भी भेज दो, और भूल नहीं जाना क्या है, आइकॉन बेल दबाना, और ऑप्शन है आइकॉन बेल में ऑल लगाना, क्या है ऑल लगाना, तो मेरा फ्यूचर वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपका मोबाइल में ज़रूर नोटिस आते, आपको मालूम होते हैं वो गुरु वीरा टेक्सटाइल से नया वीडियो आया। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।